अजमेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ कल 9 जून को प्रातः 11 बजे जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत NOLB में शौचालय निर्माण प्रगति में कम प्रगति वाली ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों के साथ लेंगे समीक्षा बैठक। जिले की अरई पंचायत समिति की बोराड़ा दादिया देवपुरी कालानाड़ा बिनाई की कराटी पाड़लिया नानसिक केरोट नागेलाव जावाजा की आसन किशनपुरा काबरा दुर्गावास देवाता रावतमाल सूरजपुरा मालपुरा तथा जावाजा श्रीनगर की सांपड़दा मावशिया लोहरवाड़ा गेगल अजेसर चनौत श्रीनगर तिहारी केकड़ी की बगेरा चितिवास गोरदा कुशायता किशनगढ़ की सरगांव केकड़ी अरमाड़ा थल सिनोदिया नवा सरवाड़ की अजगरा भगवानपुरा खीरिया जोताया मसूदा की सिकरानी राजपुरा जीवाणा सताना पिपलाज नाड़ी रामगढ़ पिसांगन की बड़सूरी पगारा भगवानपुरा भावता गोला करनोस खोरी राजगढ़ गोविंदगढ़ तथा जेठाना ग्राम पंचायत के ग्राम सेवकों को कल जिला परिषद अजमेर में प्रातः 11 बजे बुलाया गया है। ग्राम पंचायत सहायक संघ युवा प्रदेश कार्यकारिणी राजस्थान के बैनर तले अजमेर जिले के ग्राम पंचायत सहायकों ने किशोर सिंह एवं बलवीर सिंह के नेतृत्व में अजमेर जिला परिषद पहुंचकर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्राम पंचायत सहायकों का वेतन निजी आय से देने के आदेश जारी हुए हैं, लेकिन ग्राम पंचायतों के पास में इतनी निजी आय नहीं है कि ग्राम पंचायत सहायकों को वेतन दिया जाए। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अजमेर जिले के अलग अलग ब्लॉकों से पदाधिकारी आए हुए हैं, तो इन्होंने जो ज्ञापन CEO साहब को दिया है, हमने मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी के नाम कि हमारे एक तो मानदेय को लेकर के जो आदेश जारी किया था उसमें शीघ्र संशोधन कराया जाए, उसमें एक आदेश दिया था उसमें हमारी जो हमारा मानदेय है वो निजी शर्त पर छोड़ दिया, निजी आय पर छोड़ दिया गया पंचायतों की। हम चाहते हैं कि पूर्व की तरह दिया जाए या फिर अन्य मत से दिया जाए। जी सर, कितना टाइम हो गया आपको लगे हुए? सर, 2017 से हमारी ज्वाइनिंग है, 3 वर्ष चौथे वर्ष में हम चल रहे हैं, अभी चौथा वर्ष। आज मिले हैं क्या? आज मिले हैं, साहब ने अच्छी तरह से हमें बताया कि पायलट साहब पूरी तरह से हैं और हमारे ऊपर हमें SBM और जो अन्य योजना उनसे भी जोड़ने के लिए सर ने कहा है, तो सर की तरफ से सकारात्मक रवैया, लेकिन हम चाहते हैं राज्य सरकार से कि हमारी जो संशोधन है मानदेय को लेकर के जो आदेश जारी किया उसे शीघ्र करवाएं। कितना समय हो गया आपको मानदेय नहीं मिला? अभी तो सर लगभग 2 से 3 महीने हुए हैं हमें मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है, कोरोना में ड्यूटियाँ दे रहे हैं सभी जगह हम वर्तमान में। अगर मांगे मानी नहीं जाती तो फिर क्या करेंगे? मांगे मानी नहीं जाती है तो सर इससे पूर्व भी हमने अजमेर से जयपुर तक भरी धूप के अंदर 45 डिग्री सेल्सियस पर पैदल यात्रा की थी, उसको लेकर के हमारे 1 साल एक्सटेंशन ऑर्डर जारी हुआ था, लेकिन अभी तो अशोक गहलोत साहब खुद मुख्यमंत्री जी सदन में हमारा कार्यकाल बढ़ा चुके हैं, फिर उसमें शर्त लगा के कि इनका जो कार्यकाल इसी शर्त पर बढ़ाया जाए कि पंचायत अपनी निजी आय से इनका भुगतान करेंगी। अब पंचायतों में निजी आय है ही नहीं है तो वो कहाँ से हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, तो इसको लेकर के हम सर से आज 33 जिलों में कार्यक्रम हो रहा है सर। ठीक, आपका परिचय। किशोर यादव, स्वच्छ भारत मिशन योजना को लेकर जिला परिषद CEO गजेंद्र सिंह राठौड़ ने जिले के ग्राम पंचायत सहायकों की बैठक ली। CEO ने ग्राम पंचायत सहायकों को बताया कि ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण को लेकर स्वच्छताग्रही किस प्रकार कार्य करते हुए अपनी आय अर्जित कर सकता है। इस दौरान आए हुए ग्राम पंचायत सहायकों को स्वच्छ भारत मिशन की ओर से जारी बुकलेट भी दी गई। गंदा पानी है या कचरा है उसका प्रबंधन कराना है, उसके काम को अगर आप कर लो उतना आप ध्यान दो तो एक गांव पे 200 रुपए मिलेंगे हर महीने। कितना? 200 गांव में 300 परिवार है तो 600 रुपए एक महीने का आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा? पंचायत राज मंत्री सचिन पायलट की हाईटेक सोच को लेकर जिले की पंचायतों को ई सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया। इसे लेकर आज जिला परिषद अजमेर के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जहां ई पंचायत सॉफ्टवेयर को लेकर जानकारी दी गई। सर, ई पंचायत को लेकर आज यहां कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ समझाया जा रहा है कि ई पंचायत कैसे काम करती है? सर, एक शनिवार को सारे BDOs की मीटिंग आयोजित की गई थी CEO साहब के अध्यक्षता में, तो उसमें कुछ BDOs ने जो नए सॉफ्टवेयर आए हैं अभी ई ग्राम स्वराज है जैसे, तो उसमें काम को लेकर कुछ दिक्कतें अपनी व्यक्त की थी। उन्होंने ये कहा था कि एक बार हमारे यहाँ जो LDC या ऑपरेटर जो उसको देख रहे हैं उनको आप एक बार यहाँ पर बुला के और जितने भी हम सॉफ्टवेयर अभी चल रहे हैं उन सबकी एक ट्रेनिंग आयोजित करी जाए, तो उसी के दिशा निर्देश में
आज हमने यहाँ पर एक ट्रेनिंग आयोजित करी है। हमारे सारे ब्लॉक से LDC और ऑपरेटर हैं और एक वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर आए हैं और जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम देख रहे हैं और उनका निवारण कर रहे हैं और उनको जो नए सॉफ्टवेयर में जो चेंज हुए हैं उनके बारे में बता रहे हैं। सर, ई पंचायत किस प्रकार से ये काम करता है सॉफ्टवेयर? सर, ई पंचायत राज्य स्तर का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ग्राम पंचायत की भौतिक वित्तीय और जो वहाँ पर जो एसेट्स हैं उन सब की जानकारी सिंगल एक ही जगह पर सेव करने का एक ऑप्शन उन्होंने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू रखा है। तो उसमें जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल में जो बदलाव हो रहे हैं जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको बताने के लिए हमें कार्यशाला आज रख रहे हैं, वो इनको बता रहे हैं। नवीन ग्राम पंचायत बासेली के सरपंच ने अजमेर जिला परिषद पहुंचकर जिला परिषद CEO को बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में अभी तक विकास को लेकर कोई राशि जारी नहीं की गई, इसके कारण ग्राम पंचायत के सामने कई समस्याएं आ रही है। मैं जिला परिषद इसलिए आया हूं कि हमारे नवीन ग्राम पंचायत हुई है, इसलिए हमारे बैठने के लिए जगह भी नहीं है और हमारे लिए फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास बजट है। तो इसलिए मैं CEO साहब के पास में आया हूँ तो उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे को बजट दिया जाए, हमारे बैठने के लिए वो टेबल कुर्सी फर्नीचर वगैरह दिया जाए, उनके लिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। आखिर पिसांगन पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी सत्यनारायण कछावा को करना पड़ा बहाल। ज्ञात हो कि पिछले दिनों देवनगर के एक ग्रामीण ने मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर झूठी शिकायत पेश कर सत्यनारायण कछावा की शिकायत की थी। इसके बाद आयोजित VC में यह मामला आने पर सत्यनारायण कछावा को APO किया गया था, लेकिन इसके बाद हुई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, ग्रामीण की शिकायत झूठी निकली। इस पर जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने आज ग्राम विकास अधिकारी सत्यनारायण कछावा को बहाल कर दिया है।